दोस्तों आप सभी का एक और शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कंटिन्यू में मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वीडियो में बना रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप उससे कुछ ना कुछ नया सीख पा रहे होंगे। तो आइए उसी क्रम में मैं क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके लगाइए। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए आप देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर कितना 4 गुणे, पहले डिवाइड करेंगे तो 1080 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 72 आएगा। 15 × 2 = 30 के 0, 15 × 7 = 105 और 105 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 बराबर का हो जाएगा 6 की पावर x। अब हम इसको क्या लिखेंगे, जो जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 72 लिखा है तो हम 72 को लिख सकते हैं 36 × 72 होता है, तो हम ब्रेकेट में ऐसे करके लिख देंगे 2 गुणे 36 को हम लिख देंगे 6 की पावर 2 बराबर में 6 की पावर x। यहाँ पर देखिए 36 × 2 क्या हो गया, 72 हो गया, लेकिन मैंने 36 को 6 की पावर 2 करके लिखा है और यहाँ पर 2 ठीक। अब यहाँ पर इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 4 गुणे यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर कितना हो गया x। यहाँ पर देखिए ये दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है और इसकी पावर 1, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। यहाँ 3 की पावर 4 गुणे 6 की पावर कितनी है 2 बराबर 6 की पावर। अब यहाँ पर देखिए पावर समान है, जब पावर समान है तो बेस का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 गुणे 6 की पावर कितना हो जाएगा 2 बराबर 6 की पावर x। यहाँ पर देखिए बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा यहाँ पर और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 6 की पावर x। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू का सिंबल लगा है और बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाती है, पावर भी बराबर हो जाती है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो दोस्तों यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका अप्रोच एकदम सटीक होना चाहिए कि इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या आइडिया लगाएं ताकि हमारा एक बार में आंसर आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।